नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट 100 में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे तेज अंदाज में खबरों की, और पहले बात करेंगे इंदौर से बड़ी खबर की। इंदौर में कांग्रेस नेता ने फायरिंग की, नशे की हालत में सुरक्षा गार्ड पर फायरिंग की। सुरक्षा गार्ड बाल बाल बचा, तो वहीं आरोपी प्रमोद रघुवंशी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर नेता के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। इंदौर में कांग्रेस नेता ने खुलेआम फायरिंग की है, नशे की हालत में सुरक्षा गार्ड डर के मारे भाग गया। गनीमत यह रही कि कोई इसका शिकार नहीं हुआ, वरना गोली भी लग सकती थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रमोद रघुवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी से बंदूक भी जब्त की गई है। घटना का एक और वीडियो सामने आया, गार्ड को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं आरोपी पिता बेटा, और जीतू पटवारी का समर्थक बताया जा रहा है आरोपी। ये पूरा घटनाक्रम इंदौर से सामने आया है, जहां कांग्रेस नेता ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। नशे की हालत में सुरक्षा गार्ड पर फायरिंग की गई। सुरक्षा गार्ड बाल बाल बचा, आरोपी प्रमोद रघुवंशी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आरोपी से बंदूक भी जब्त कर ली गई है। घटना का एक और वीडियो सामने आया, गार्ड को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। ये देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गार्ड के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का वीडियो सामने आया। आरोपी पिता और बेटा जीतू पटवारी का समर्थक बताया जा रहा है आरोपी, और इन्होंने गार्ड को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। और ये देखिए कुछ वीडियो, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए कल रात स्प्रिंग बोर्ड कॉलोनी के दो सुरक्षा प्राइवेट सुरक्षा कर्मी थाने पे आए, और उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति द्वारा जो वहीं का रहवासी है, उसके द्वारा हवा में अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर किया गया है। तत्पश्चात उनके द्वारा एक वीडियो भी पुलिस को प्रस्तुत किया गया। वीडियो और उनके कहे अनुसार पुलिस ने उस व्यक्ति को सिल्वर स्प्रिंग से हिरासत में लिया, और उस पर आर्म्स एक्ट की धारा 30 व BNS की धारा 125 के तहत मामला पंजीबद्ध किया और उसको हिरासत में लिया। देखिए इसमें जैसा कि जिस वीडियो की बात सुरक्षा कर्मियों ने कही, प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों ने, और जिस जो उन्होंने हमको बताया, उसके आधार पर हमने एक IME की है, और इसमें अगर और भी कोई तथ्य आगे निकल के आता है तो उसी प्रकार सुसंगत धाराओं में और भी धाराएं में इजाफा किया जा सकता है। इसके अंदर एक स्वयं खुद ही व्यक्ति था जिसका नाम प्रमोद करके, और स्वयं खुद ही व्यक्ति था जिसके द्वारा हवाई फायर किए जा रहे थे। उसके द्वारा कुल अपनी लाइसेंसी बंदूक 315 बोर राइफल उसके नाम से ही रजिस्टर है, जिससे उसने हवा में कुल 5 फायर किए। देखिए सुरक्षा, जैसे कि ये कल रात की 3 बजे की घटना है, और जो व्यक्ति जिसने हवा में फायर किए वो अत्यधिक नशे में भी था, और इसमें सुरक्षा कर्मियों का ऐसा कहना है कि वह सोसाइटी में आए दिन इस प्रकार की गुंडागर्दी करता है, और पूर्व में भी उसके द्वारा ऐसी हरकतें की जा चुकी हैं। तो ये तथ्य उनके द्वारा बताए गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर पूर्व में भी ऐसी कोई घटनाक्रम हुआ है तो हम सुसंगत धाराओं में मामला और इजाफा करेंगे उसको। क्योंकि कल ये व्यक्ति जिन्होंने फायर किया हवा में अत्यधिक नशे में था, हमने उसका मेडिकल भी कराया है। तो अभी चूंकि मामला रात का ही था, तो अभी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो और भी तथ्य निकल के आएंगे कि वास्तविक क्या कारण था। तो सुना आपने, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 राउंड फायर किए गए हैं, और इसके पहले का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक गार्ड को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। और ये जो आरोपी है जिन्होंने हवाई फायर किया है, दरअसल ये कांग्रेस के नेता है और जीतू पटवारी के समर्थक बताए जा रहे हैं। दो वीडियो सामने आए हैं, और इन दोनों वीडियो में दबंगई इस कदर कि साफ तौर पर मालूम पड़ता है कि किस तरीके से अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए गार्ड के साथ इन्होंने बेरहमी की। और एक तस्वीर भी आप देखिए, जब जीतू पटवारी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ ये तस्वीर सामने आई है, और दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे हवाई फायर करते हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो लाइसेंसी बंदूक है इसे भी जब्त कर लिया गया। सीधे रुख करेंगे संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, कांग्रेस नेता ने 5 राउंड फायर किए और गार्ड के साथ भी बर्बरता की गई, पूरा मामला बताइए।
प्रमोद रघुवंशी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कट्टर समर्थक है। जब वो राव से विधायक थे तो उनका वो विधायक प्रतिनिधि भी था जोन क्रमांक 19 का, बकायदा उसके लिए एक लेटर भी जारी किया गया था और कई सारी तस्वीर, एक नहीं कई सारी तस्वीर है प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ प्रमोद रघुवंशी की। और प्रमोद रघुवंशी को किसी से डर नहीं लगता है क्योंकि वो जीतू पटवारी का समर्थक है, अपने आप को बड़ा नेता मानता है, रसूखदार है उस क्षेत्र का, और उसने शायद इसीलिए वहां पर लगातार वो फायरिंग करता रहा, उसे कानून का डर नहीं था। गार्डों ने जब रोकना टोकना चाहा तो वो फायरिंग जारी रहा और जिन गार्डों ने रोका उनके साथ मारपीट हुई, और मारपीट से प्रमोद रघुवंशी नहीं, प्रमोद रघुवंशी के बेटे ने भी मारपीट की, और मारपीट में वो तस्वीर भी सामने आ चुका जिसमें दौड़ा दौड़ा के सिक्योरिटी गार्ड को देर रात 3 बजे प्रमोद रघुवंशी और उसके बेटे पिटाई कर रहे हैं, जान बचाकर भाग रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड। पूरी घटना देर रात 3 बजे की है और प्रमोद रघुवंशी अक्सर नशे में इसी तरीके से विवाद करता है, सोसाइटी के लोग उससे परेशान है लेकिन सोसाइटी के लोग कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि वो जीतू पटवारी का समर्थक है। और जब वो जीतू पटवारी वहां से विधायक थे तो उसकी गुंडागर्दी चरम पे थी, ऐसा वहां के लोगों का कहना है, और वो कानून से अपने आप को ऊपर मानता है। उस क्षेत्र में रौब बनाने के लिए, दबंगई छाड़ने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए उसने हवाई फायर किया है। फिलहाल तस्वीर सामने आ चुकी है, पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, उसके उस बंदूक को 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक को भी जब्त कर लिया गया जिससे उसने 5 राउंड फायर किए थे। तो घटना का वीडियो सामने आ चुका है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन प्रमोद रघुवंशी उस क्षेत्र में अपने आप को बहुत बड़ा रसूखदार मानता है, रसूख झाड़ने के लिए, रौब झाड़ने के लिए, भय फैलाने के लिए, दहशत फैलाने के लिए कई बार उसने मारपीट की है, हवाई फायरिंग किया, और इस बार तो देर रात 3 बजे सिल्वर स्प्रिंग फेज 2 में जिस तरीके से उसने फायर किया उसके बाद वहां दहशत का माहौल है। सिल्वर स्प्रिंग फेज 2 और फेज 1 ये इंदौर की बहुत महंगी सोसाइटी में से एक है, हाई प्रोफाइल सोसाइटी, यहीं पर इसी एक फेस में भैयू महाराज भी रहा करते थे और तमाम करोड़पति उद्योगपति बड़े व्यापारी और बड़े लोग उस क्षेत्र में रहते हैं, उस सोसाइटी में रहते हैं। और ये जो पूरी घटना वो देर रात 3 बजे की है, अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस बात पे पल्ला झाड़ा जा रहा था कि वो प्रमोद रघुवंशी को नहीं जानते, प्रमोद रघुवंशी उनका कोई कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ कई सारी जो फोटो है वो वायरल की गई है, नियुक्ति पत्र वायरल किया जा रहा है, और अब तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का जो साथ है वो अपराधियों के साथ है, यानी कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ। अब बीजेपी आरोप लगा रही है, उनका कहना है कि इस पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को जवाब देना चाहिए और इस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से हवाई फायरिंग की गई, जिस तरीके से देर रात गुंडागर्दी की गई और ये सब कुछ होता रहा नशे में, वहां के लोगों ने कहा ये अक्सर नशे में प्रमोद रघुवंशी वहां के लोगों के साथ मारपीट करता है, हवाई फायरिंग करता है, और उसी का एक, यानी कि ये पहली दफा नहीं मिथिलेश, ऐसे पहले भी कई बार इस तरीके से हवाई फायर और आसपास के लोगों के साथ धक्का मुक्की मारपीट ये कर चुके हैं, इनकी आदत में शुमार है दबंगई दुखाना। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मिथिलेश, जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से आप देखिए इस बार इनकी ये दबंगई इन्हीं पर भारी पड़ गई क्योंकि इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, साथ ही लाइसेंसी जो इनकी बंदूक है उसे भी जब्त कर लिया। और चलिए अब रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। गुना जिले के कुंभराज में तैनात तहसीलदार अमिता सिंह तोमर एक बार फिर विवाद में आ गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक राजनीतिक पोस्ट डाला है जिसमें कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हालांकि अमिता सिंह ने ये पोस्ट बाद में डिलीट कर दिया। उन्होंने आईडी हैक होने का दावा करते हुए साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराने की बात कही और इससे पहले भी अमिता सिंह सुर्खियां बटोर चुकी हैं। लूप लाइन में डाले जाने के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बाद में इस्तीफा वापस ले लिया। इससे पहले रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में अमिता सिंह 50 लाख रुपए जीतकर भी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। एक महिला होने के नाते महिला का सम्मान करना भी उन्हें नहीं आता क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आती है वो, तो मैं समझता हूँ जो उनकी पृष्ठभूमि है तो उनको राजनीति छोड़ के नौकरी राजनीति करना चाहिए, फिर वो कुछ भी करे उनका आमना सामना राजनीतिक व्यक्तियों से होता रहेगा। नेता गांधी परिवार की चरण वंदना में इतने व्यस्त हैं कि भूल जाते हैं कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चल रही हैं। किसी परिवार को देश में विशिष्ट परिवार की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, ये कांग्रेस के नेताओं की चटुकारिता है। कांग्रेस पार्टी में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, महिलाओं का लगातार अपमान करना, उनको नीचा दिखाना, इसी क्रम में ये अरुण यादव जी और तमाम ये नेता जो हैं उस महिला अधिकारी के पीछे पड़ गए हैं। तो देखिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट इन्होंने किया,
हालांकि इन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन अब ये पूरा मामला काफी गर्मा चुका है। गुना जिले के कुम्हराड में तैनात तहसीलदार अमिता सिंह तोमर एक बार फिर से विवादों में आ चुकी हैं और अब इनको लेकर काफी विवाद भी बढ़ गया है। कुम्हराड तहसीलदार अमिता सिंह ने भले ही अपना विवादित पोस्ट डिलीट कर दिया और अपनी आईडी हैक होने की बात कही, लेकिन इसको लेकर सियासी गलियारे में बवाल शुरू हो चुका है। कुम्हराड तहसीलदार अमिता सिंह के विवादित पोस्ट पर अरुण यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने अमिता सिंह को तहसीलदार को पद से हटाकर तत्काल हटाए जाने की मांग की है सरकार से। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, एक बार फिर से अमिता सिंह विवादों में आई हैं, हालांकि पहले भी उनकी एक टिप्पणी उन पर भारी पड़ी थी, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर उन्होंने जो आपत्तिजनक पोस्ट किया है, इसको लेकर सियासत हो रही है। निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी शासकीय अधिकारी होता है उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसका उसको पालन करना होता है, एक व्यवस्थित और मर्यादित आचरण करना होता है। जो कर्मचारी होते हैं, खासतौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कर्मचारी होते हैं, उनको इस बात का बेहद ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी तरीके की राजनीतिक चीज़ों में ना पड़े। अमिता सिंह का जो पूरा पोस्ट सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, उसमें जो उन्होंने कॉन्टेंट लिखा है, कॉन्टेंट पोस्ट किया है देश के बड़े नेताओं के खिलाफ, वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है और इसको लेकर अब जो सियासत है वो गर्मा गई है। कांग्रेस ने बर्खास्तगी की मांग की है, उनकी सेवाओं को समाप्त करने की मांग की गई है, सरकार से स्वतः इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेने की जो बात है वो कांग्रेस की ओर से कही जा रही है और ये पूरा मामला अब जो है वो सियासी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने ये भी कहा है कि अगर जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम लोग कानूनन यानी कि लीगल प्रोसीजर जो है उसका सहारा लेते हुए नजर आएंगे। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले की जांच की बात करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस को जब भी मौका मिलता है महिलाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति करने लगते हैं। बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ अभिनव बरोलिया जी जुड़ गए हैं कांग्रेस। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। तहसीलदार अमिता सिंह जो कि एक बार फिर से सुर्खियों में है, विवादित टिप्पणी उन्होंने की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी के खिलाफ, पहला रिएक्शन आपका? देखिए, ये तो जाहिर है कि वो विवादास्पद मोहतरमा रही हैं और पोस्ट करने के बाद डिलीट भी कर दिया है जी। भी देखिएगा, अब आप चेक करिएगा, मतलब अगर किया था तो अगर इतना उनको राजनीति करने का सारी चीजें हैं तो राजनीति में भी आना चाहिए, पहले भी बोल चुके हैं। और अगर इस तरीके के ये मतलब मानसिक कुपोषण कहलाता है इसको, जब जो थोड़ा सा मानसिक कुपोषण से ग्रसित हो जाता है वो इसी तरीके की हरकतें करता है। और इनका आचरण जो है वो सिविल सेवा के अधिकतम अनुकूल है, बिल्कुल दिख ही रहा है वो सब। सोशल मीडिया में अभिनव जी देखा जाता है कि जिन नेता को पसंद करते हैं उनके लिए और जिनको नहीं पसंद करते उनके खिलाफ एक से बढ़कर एक पोस्ट डाले जाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, लेकिन अमिता सिंह जो कि एक जिम्मेदार पद पर बैठी हुई हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिए जाने की सख्त जरूरत है। कांग्रेस का क्या स्टेप होगा? नौकरशाह है वो एक, और विवादास्पद रही हैं और इस तरीके से पोस्ट कर रही है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए अपने मन की भावना को। देखिए, कई लोग होते हैं जो भाजपा से चिढ़ते हैं, सारी चीज होती है लेकिन दिल में रखते हैं, कई लोग सामने नहीं बताते कि अभी ऐसा, ये सामने आके बता रही तो कहीं ना कहीं सरकार की भी शह हो सकती है कि लिखिए आप, हम कुछ नहीं। और जान लेते हैं, हमारे साथ बीजेपी से नेहा बग्गा जी भी जुड़ गए। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। अमिता सिंह का पोस्ट आपने देखा होगा, हालांकि उन्होंने डिलीट कर दिया है, लेकिन अब ये काफी ज्यादा चर्चाओं में है क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर जो टिप्पणी की गई है वो बर्दाश्त करने लायक है ही नहीं। कांग्रेस की मांग है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, आपका रिएक्शन क्या होगा इस पर? देखिए, कांग्रेस की सोच तो हमेशा से महिला विरोध की ही रही है और इसीलिए जब भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा इसी प्रकार से बयानबाजी करती है, विरोध करती है। मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा उसमें तथ्य है और उसको कौन नकार सकता है। कांग्रेस पार्टी के लोग जो केवल दरबारी कल्चर से ग्रसित हैं, उन्हें एक ऊपरी तौर पर जो है यहाँ पे डिनाई करने का अवसर मिल रहा है चैनल्स पर अंदर से तो आप देखिए वो भी कहीं ना कहीं सहमत दिखाई दे रहे हैं। और एक बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस यूं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर तमाम सारे हो हल्ला करती है, रुदाली गैंग अक्सर सामने आ जाता है, और अब जब किसी एक महिला ने सत्य को सामने रख दिया है तो कांग्रेस को अत्यंत पीड़ा हो रही है। यानी कि आप इस जो टिप्पणी की गई है
आपको इससे कोई शिकायत नहीं है? एक महिला के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी, वो भी एक जिम्मेदार, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि तहसीलदार हैं वो, जिम्मेदार पद पर बैठी हैं, और उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर इस तरीके का पोस्ट, और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर वो गलत नहीं है तो उन्होंने फिर डिलीट क्यों किया? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि कांग्रेस एक प्रकार के विचार के लिए अपनी षड्यंत्र पूर्वक रणनीति अपनाते हुए वो हल्ला करती है, पर जो पोस्ट में लिखा है उसमें क्या तथ्य नहीं है? बात अमिता सिंह की हो रही है, आप कांग्रेस पे चली जा रही हैं। बात अमिता सिंह की हो रही है कि उनके पोस्ट के खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, आपको उसमें क्या मत है? देखिए, बात मैं आपसे वही तो कह रही हूँ, आप ना मत जान रही, तो मैं आपसे वही तो कह रही हूँ कि गलत क्या लिखा है। जो लिखा है उसके कांग्रेस के खुद लोग जो है खानापूसी करके उसको स्वीकार रहे हैं, और उसमें झूठ क्या है? क्या इस प्रकार से कांग्रेस का कल्चर नहीं है जो उन्होंने टिप्पणी की है? क्या कांग्रेस उसी प्रकार से काम करती हुई नहीं दिखाई दे रही है? और कांग्रेस पार्टी का तो ये आचरण पुराना रहा है, अभी कोई और होता अभी भी, नहीं, नेहा जी, जो, 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 आप फिर कांग्रेस पे आप बार बार जा रही है, बात हो रही है अमिता सिंह की पोस्ट को लेकर, आप कांग्रेस पे चली जा रही है, कांग्रेस को लेकर तो सवाल